यूट्यूब चैनल दोस्तों, जब बात करने वाले हैं अगर आप दिल्ली से बैंगलोर जाना चाहते हैं तो हवाई जहाज़ के टिकट के प्राइस क्या होने वाला है, सबसे सस्ता हवाई जहाज़ के टिकट कितने तक का है, और यहां पर हम देखने वाले हैं एयरपोर्ट कोड्स क्या है, समय कितना लगने वाला है और टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चलते सीधे वेबसाइट पर, वहाँ पर बुकिंग करके आपको दिखाता हूँ, चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमने आके goibibo.com पर, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म में हमने डाल दिया न्यू दिल्ली, यहाँ पर फ्लाइट क्लिक है और उसके बाद बेंगलुरु यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद डेट चूज कर ली है, डेट कोई भी अपना चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीधे सर्च फ्लाइट पे क्लिक कर देते हैं, जैसे ही सर्च फ्लाइट पे क्लिक करते हैं दोस्तों बहुत सारे फ्लाइट्स के लिस्ट आ जाता है, यहाँ पर ग्राफ आपको मिल जाता है कि किस दिन कितना रेट है, ऊपर नीचे रेट होता रहता है, एक चीज़ याद रखें कभी भी प्राइस सेम नहीं रहती है, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग प्राइस है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो स्टार्टिंग प्राइस है 6064 रुपये से स्टार्ट है, और कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, अच्छा फ्लाइट्स है ऐसा सब चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे फ्लाइट्स हैं, तो यहाँ पर हम सीधे क्या करते हैं, आपको यहाँ से वन बाय वन दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एकासा एयर का जो पहला फ्लाइट है, लेकिन इसको दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एयरपोर्ट कोड्स क्या है, दिल्ली का है DEL है और बेंगलोर का है BLR। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बुकिंग करने के लिए सिंपल सा आप हर एक फ्लाइट का टाइमिंग देखें उसकी आपके अपने इच्छानुसार, उसके बाद दोस्तों अपना उस फ्लाइट्स का रिव्यू भी देख लें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे आपको देखना है, जैसे मान लीजिए सबसे चीपेस्ट में यही है अकासा एयर करके है, न्यू दिल्ली से है, 21:55 पे 3 घंटा 5 मिनट समय लेती है, और दोस्तों रात को ये 1 बजे पहुंचा देती है, और 6064 रुपये फ्लाइट टिकट के चार्ज है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे स्पाइस जेट है, और ये है रात को 12:55 पे, और दोस्तों ये है 2 घंटा 25 मिनट समय लेती है, 3:20 पर पहुँचा देती है, 6127 रुपये फ्लाइट टिकट के चार्ज है। नेक्स्ट यहाँ पर सेम स्पाइस जेट है, 6:10 पे है, 2 घंटा 55 मिनट समय लेती है, 9:05 पहुँचा देती है, 6127 रुपये फ्लाइट की टिकट के चार्ज है। नेक्स्ट यहाँ से फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस है, 4 बजे है, और ये दोस्तों पुणे होकर जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो पुणे में 50 मिनट का हॉल्ट है, और ये 4:30 समय लेती है और बेंगलोर पहुँचा देती है आपको 8:30 पे, 6193 रुपये फ्लाइट टिकट चार्ज है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे फ्लाइट्स हैं जो कि अपने इच्छा अनुसार अपने समय के अनुसार आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, जो भी आपको फ्लाइट समझ में आता है उसके आगे वी फेयर पे क्लिक कर दीजिए, मान लो हमें अकासा एयर का बुक करना, तो यहाँ पर वी फेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप नीचे वाला बुक कर सकते हैं, थोड़ा महंगा है, उसके बाद बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोर्डिंग पॉइंट, यहाँ पर बोर्डिंग पास शो होता है, आपका फ़्लाइट कब है, कितने बजे है, कहाँ से है, कितना समय लगेगा, कब पहुँचाएगी, सब यहाँ पर शो होता है। उसके बाद आपको करना क्या है, बगल में आपको प्राइस शो होता है देख सकते हैं, बस आपको करना क्या है, आपको आ जाना है नीचे और अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो भी अमाउंट आता है यहाँ पर उसको पे करके अपना फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से बुकिंग करनी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।